तो खूब तेज सुनाए परत, अगर कोनो कम भी सुनत बेरा भी है तो उगे भी पतो परत जात, तनक भनक लगत जात कानन में। लेकिन कछु कानवा ऐसे होत के सुन के भी नहीं सुनत। हाँ, एक होत बेरा और एक हो सुन बेरा। सुन बेरा बोक वो जो आन को कान सुनत। हाँ, कछु की कहो कछु सुनवे। ऐसे एक घर में तीन जने हते। हाँ, तीन जने हते और एक और ब्याह होगा लड़का को, सो एक और जनी आगे सो गए चार। वो चार ही हते बेरा, बिल्कुल सुनत नहीं हते, वो मोचार ही बोलते। हाँ, बिल्कुल कानन से भोच, बस वो समझने नहीं आ कुछ और का मोचार ही बोलते। लेकिन उन्हें को काम कैसे चलत तो अंदाज लगा के, अगर खाना खात में उन्हें मुंह चलाओ, उन्हें गौर से देखी, अच्छा नमक जाने हुज्जे, वो नमक लेके आगो। अब भैया जो ना उको लड़का खेत पे हर हाँक रहो, तो सो हर हाँकत में एक गेला रो निकरो। वो गेला रहने की काय भाई साहब, जा रास्ता का ईरच खो गई ईरच खो, तो वो तो बेर आया कहने भाई साहब जा रास्ता का ईरच खो गई, उन्हें जानी हुई ना हुई अमीन साहब आया गए, सो तिया ये मांग रहे अंदा तो अंदा। कहने तिया हम चुका दे, तुम टेंशन नहीं करो, आ सो चाहे कछु हो जाए पूरी तियाई भर दे। अरे बोले भाई साहब हम तो ईरच की रास्ता या पूछ रहे। अरे कल ने कहा तो मैं विश्वास नहीं है, हम तियाई चुका के माने। अरे बोले दद्दा हम तियाई नहीं मांग रहे, हम ईरच की रास्ता या पूछ रहे। अरे कल ने चाहे गानो गुरिया गाने धन्य आवे, हम तियाई चुका के माने। गेलारो मूड मार के वहां चलो के, हम तो भैया और को उसे पूछ ले। अब ई की घर वाई आई रोटी लेके, बा भी बेरू हती। हाँ, तो जो अपनी घर वाई से रोटी खात में बोलू, बोलू सुनो बाई से कह दियो बे, दद्दा से कह दे बे, अमीन साहब आए थे खेत पे, सुबह तियाई मांग रहे थे। सुबह घर वाई भी बेरू कने को तमई की मम्मी ने बनाई रोटी में, जब बनाओ सो जब आई बार दे थी। बेरू तो बेरू जो कहो, हाँ तो कह दियो भाई से के भाई अमीन साहब आए थे तियाई चुकाऊ ने। अकल नहीं बिल्कुल के देने हमें मम्मी से कहे कैसी रोटियां बनाई बेबे, राज भर की बातें कर रहे थे। अब बेरू बहू आई सुबह घरे सास से लड़ बैठी, काय मम्मी तुम जे कैसी रोटी बना देती, पे हमसे राज भर की बातें कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे कि रोटी पर कैसे गई। अब सास भी बेरू कहे अच्छा कल तो नई साड़ी लुआई आज फिर अचानक बाजाने के साड़ी की कह रही। कहले हाँ मम्मी तुम जे हर बेर रोटी काय बार देती, वे हमसे गुस्सा हो रहे थे। अच्छा कल तो नई साड़ी लुआई आज फिर मांगन लगी, रुक जाओ हम कथे ससुर से। अब आई डोकरा नो डोकत जाए, बोले समझा लो बहू को कल तो नई साड़ी लुआई आज फिर मांगन लगी, ससुर भी बेरा है तो सुबह सब बैठो तो दूर में। कहले समझा लो बहू को डोका जाए के रे, बोले समझा लो बहू को कल तो नई साड़ी लुआई आज फिर मांगन लगी। ससुर कह लो कहाँ हो पड़गा कुत्ता, हम तो बैठे दो घंटा से दूर में। माताएं बहने ऐसे आ जाती भागवत में, जैसे इनसे बड़ो धर्मात्मा इस संसार में कोई नहीं है। और वे घरे पूछियो काय भाई कथा सुनी, हाँ हाँ सुनी, का भाव कथा में, कहले का भाव कथा भाई, मतलब का भाव कथा में, कहले कछु नहीं हम जैसे ही गए सो एक दो बेर संकीर्तन भाव फिर प्रसाद लाओ सो घरे आ गए। उन्हें कथा ध्यान नीरत के का भाव कथा में, एक भाई तो एक महाराज से राम कथा सुनत रही तीन घंटा, माता जी तीन घंटा कथा सुनत रही, वो समापन भाव से महाराज ना पहुँच गई। कहले काय महाराज सीता कौन के बाप को ना हो तो, अब बेजावी ध्यान भूल गए कि सीता पुरुष से कही जात के स्त्री से कही जात। ऐसे हैं एक के घर में हो गई चोरी, और उ घर में तीन भैया बड़े अजीब हते, और अजीब ऐसे हते कि उनको तक गया कलाम अलग अलग हतो, कछु जन को हो थे हर बात में कहना काकई, बोले आज हम पूछ गए थे काकई, वो तो हमें जीजाजू मिल गए काकई, नहीं हमने काकई ते लगो के अभी आज अंदर हर बात में गलत काकई, आज हम ये रच गए थे काकई। ऐसे ही उन तीन भैया के अलग अलग तक ये कलाम हते बात करवे की, बड़ो भैया हर बात में कत्तो जूता खा के, बोले काय भैया कितने गए थे, बोले ससुरारे गए थे जूता खा के, सो घर वाई खुलवा रे जूता खा के।
आदत हती। और मंजले भैया को हर बात में आदत हती आपकी दुआ से। बोले काय भैया कितने गए थे? बोले मंदिर गए थे आपकी दुआ से, अगरबत्ती से लगाया है आपकी दुआ से, और पूजा भी कर आया आपकी दुआ से। हाँ, एक भैया को हर बात में आदत हती का आपके मुंह में। बोले काय भैया कितने गए थे? कल खेत पे गए थे आपके मुंह में, बोनी करे आए आपके मुंह में। हाँ, कल के पिसी पे आए आपके मुंह में, पलेवा करे आए आपके मुंह में। अब उनकी आदत हती तीन अंजन के घर में पड़ गए भाड़िया, और भाड़िया पड़े सो उनको 2.5 लाख रुपया पूरो गानो गुड़िया ले गए। अब बड़े भैया को पहुंचाओ, जाओ रिपोर्ट करके आओ। तो बड़े भैया आए थाने में, बोले साहब रिपोर्ट लिख लो जूता खाके। आप पुलिस भाई लाल हो गए, कहने पत्तमी क्या बोल रहा है, कहने क्या बोल रहे हो? बोले साहब रिपोर्ट लिखो आप जूता खाके। एक पुलिस भाई ने एक दो गाल में पटाक, कहने आपने हमें मार दो जूता खाके। बोले आप हमारे घरे चलो जूता खाके, सब समझियो जूता खाके। बोले चलो, हम बोले चलो जूता खा के। दरोगा जी बोले इसको आदत है जी बात कहने की जूता खा के। बोले बुरा मत मानना। बोले ठीक है। अब जैसे ही घरे पहुंचे पुलिस स्टाफ पूरे, दरोगा जी बोले जे बताओ कौन था, क्या हुआ? अब आगो मंजलो भैया रो। बोले साहब लुट गए, बर्बाद हो गए आपकी दुआ से। दरोगा जी बोले हमारी दुआ से? बोले क्या बक रहा है? बोले साहब मोड़े मोड़ा भूखन मरे आपकी दुआ से, हम तो भेराई गए आपकी दुआ से। दरोगा जी बोले इसको भी आदत है, बुरा मत मानना। हाँ, बोले जे बताओ चोर आया कहाँ से था? अब आगो हल्को भैया बोले साहब इतने हो तो पिड़ नहीं सकत तो आपके मुंह में। कल जाई बगले टॉयलेट बनी आपके मुंह में। बोले जो ई बगल हो आओ आपके मुंह में, और पूरा गानो गुर गया, और 2.5 लाख रुपया लेके तई हो कल गाओ आपके मुंह में। बोले अगर साहब बित गवा आपके मुंह में तो इतने लठ मारते आपके मुंह में, इतने लठ मारते आपके मुंह में कि एक दांत नहीं बचते आपके मुंह में। अगर फंस गए एक जगह, फंस गए थे दो जने। हाँ, दो जने फंस गए। एक भौजी हती गांव में, बढ़िया लगती है घाई। हाँ बढ़िया है। हाँ, वो भैया कड़ जावे बाजारे, और वे दो जने आ जाए भौजी हलका बनंदो, भौजी मंगोड़ी बनंदो। और उनके नाव का हते, एक को नाव तो प्रभु, और एक को नाव तो दीनदयाल। नाव याद रखियो आप, और एक को नाव तो प्रभु, और एक को नाव तो दीनदयाल। और जैसे ही भज्जा साहब बाजारे कर गए, और दो जने आए कहने भौजी भज्जा तो नन्या। उन्हें नन्या भगया वाओ हलुआ बना रहे सूजी को। हाँ, तो दो जने आ गए। इतने में केवाल लगा के हलुआ बनाई पाओ, इतने में भज्जा आ गए। कहने खोलो केवाल। प्रभु कहने हो राम भौजी भज्जा आ गओ। कहने अब का करत? बोले हमें बचा लो, अगर भज्जा देख ले तो देखते नहीं गोली मार दे। बोले एक काम करो, दीनदयाल से बोली तुम बक्सा में पड़ जाओ। एक बड़ो सो कपड़न को बक्सा है तो ढक्कन उठाओ, और दीनदयाल को बक्सा में धर दो, ढक्कन लगा दो। और प्रभु कह लो हम कहाँ मर जाए भौजी? बोले तुम ऊपर मचेबा पे बैठ जाओ। सब प्रभु चक के दो मचेबा पे सब बैठ गए ऊपर में आई। भज्जा कर लो खोल के बार, के बार खुलवाए सो भौजी अकेली हती। ये सब ठिकाने से लग गए थे। हाँ, भज्जा कहने कारी को है तो नहीं, कौन है तो? अरे कहने कैसे नहीं है तो? अब बेहाल कौन तू ना बातें कर रहा तो? कहने राम जी कौन है तो? अरे कहने कैसे नहीं है तो? अब बेहाल कौन बातें कर रहा तो? कहने राम जी कौन है तो? सुन नहीं, एक दो भज्जा ने भौजी के गाल में पटाक, पता को है तो? कहने तुम हमें मार रहे, हम कितनी सही कह रहे, हमारे ऊपर बाप प्रभु जानत। प्रभु बैठो तो कल इन्हें हम आइए कह दे। उन्हें तनक देर कर दी करी, एक भज्जा ने एक और दाव खेने कहने बता को आ तू। कहने ओ राम हम कितने सही हैं, हे प्रभु तुम ही बताओ। तो प्रभु पर से ग्रोनन के बीच में कर कहने का कह रही हम बताए। कहने तुम्हारा बाप दीनदयाल पड़ो बक्सा में बोली बताए। ये सब हो जाए।